अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों कैसे, उम्मीद है खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर से हूँ। तो दोस्तों आज मैं जिस मज़ार शरीफ की आपको ज़ियारत कराने वाला हूँ उनका नाम हज़रत शेख महमूद हिजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। सरकार को शेख पीर के नाम से भी पहचाना जाता है और हज़रत शेख अहमद खटूगंज बख्श मगरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये अकीदतमंद मुरीद थे। और हज़रत शेख महमूद हिजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तोहफ़तुल मजालिस फ़ारसी में लिखी थी और उसके अंदर सरकार शेख अहमद खटूगंज बख्श मगरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हालत ज़िंदगी और उनकी करामत लिखी हुई है। सरकार को जहाँ पर अभी मदफन किया गया है सरकार शेख महमूद हिजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को, वो उन्हीं के मकान के अंदर है। और ये जो मकान है वो 600 साल पुराना है और आसपास जो आप मज़ार शरीफ देख रहे हैं वो उनकी फैमिली की है। और सरकार शेख अहमद खट्टूगंज बख्श मगरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब विसाल हुआ, जब पर्दा फरमा गए, तो सरकार शेख महमूद हिजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कब्र में उतरे थे सरकार को दफनाने के लिए। और सरकार का जो मज़ार शरीफ है वो अहमदाबाद के अंदर कालूपुर टावर से पहले सरकार के नाम से ही एक पोल है, शेख हिजरी की पोल, उसी के अंदर सरकार का मज़ार है। तो दोस्तों आपको कभी भी मौका मिले इंशाल्लाह यहाँ पे जाने का तो यहाँ पे ज़रूर हाजिरी दीजिएगा। और इंशाल्लाह आप में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।